हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम दीपक सिंह है। आज हम लोग फोटोसिंथेसिस के बारे में पढ़ेंगे। शुरू करने से पहले हम सब टॉपिक्स के बारे में जान लेते हैं कि इसमें कौन कौन से सब टॉपिक्स हैं। पहला, साइट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस। सेकंड, फोटोसिंथेसिस पिगमेंट्स एंड देयर रोल्स। थर्ड, लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन। फोर्थ, लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन। फिफ्थ वन, लाइट सिग्निफिकेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस। एंड सिक्स लास्ट वन, दैट इज फैक्टर अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस एक्चुअली एक प्रोसेस होती है। पहले वो समझने से पहले हमें ये एक वर्ड जो है फोटोसिंथेसिस, इसे समझना होगा कि फोटोसिंथेसिस है क्या। तो इस फोटोसिंथेसिस को हम लोग ब्रेक करते हैं टू पार्ट में। फोटॉन मीन्स लाइट, सिंथेसिस मीन्स पुटिंग टुगेदर। इसका मतलब ये है कि ये जो एक प्रोसेस होती है इंट्रासेल्युलर के अंदर, दैट इज एनाबॉलिक प्रोसेस। इसमें होता क्या है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है और जो हाइड्रोजन, दैट इज वाटर मॉलिक्यूल, ये इनऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं। ये क्या करते हैं, ये यूज़ करके उसको कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट करते हैं। कार्बोहाइड्रेट हमारा एक एनर्जी सोर्स है जो हमें फूड से मिलता है, अलग अलग फूड से, जैसे कि फ्रूट ले लो या कोई भी वेजिटेबल्स ले लो, जो वो सबसे मिलता है। अब हम आते हैं फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के बारे में। तो फोटोसिंथेसिस क्या है कि क्लोरोफिल, जो लाइट रिएक्शन जो होता है इसमें, फॉर एग्जांपल कि जो लाइट एनर्जी होगी वो क्लोरोफिल के थ्रू एब्जॉर्व होगी और वो उस लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। उस प्रोसेस को हम लोग फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। और इसका हमें इक्वेशंस पहले देखना होगा कि इसके इक्वेशंस कैसे हैं। फर्स्ट, 6 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड विच इज रिएक्ट विद द 12 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लाइट एंड क्लोरोफिल ए विच इज गिव राइज टू कार्बोहाइड्रेट प्लस 6 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल एंड 6 मॉलिक्यूल ऑफ मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन। ओके, ये था फोटोसिंथेसिस का एक्चुअल एक इंट्रोडक्शन। ओके, अब हम डिस्कस करेंगे ऑटोट्रॉपिक्स ऑर्गेनिजम्स के बारे में कि ये ऑटोट्रॉपिक्स ऑर्गेनिज्म है क्या। पहला, ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म वो होते हैं जो अपना खाना खुद बनाते हैं। एक एग्जांपल ले लीजिए कोई भी प्लांट किंगडम में, लाइक डाइटम जो फर्स्ट फोटोसिंथेटिक में आता है। सेकंड, साइनोबैक्टीरिया जो ये भी एक इसमें भी पिगमेंट्स होते हैं। इसमें भी सेम प्रोसेस होगा कि लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करके केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब हम आते हैं बैक्टीरिया ऑर्गेनिजम्स में। कुछ बैक्टीरिया ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जिनमें क्लोरोफिल प्रेजेंस होते हैं। तो हम लोग दो एग्जांपल ले लेते हैं, कंटेनिंग क्लोरोफिल और एक विदाउट कंटेनिंग क्लोरोफिल। कंटेनिंग क्लोरोफिल में हम लोग दो एग्जांपल ले लेते हैं, ग्रीन बैक्टीरिया, सल्फर बैक्टीरिया। ओके, इन दोनों में पिगमेंट्स प्रेजेंस होते हैं। ये क्या करते हैं, लाइट एनर्जी को कैप्चर करते हैं, उसको केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, जिसे हम बोलते हैं ऑटोट्रॉप्स और फोटो ऑटोट्रॉप्स। ओके, ये था एक एक्चुअल ऑटोट्रॉप्स का मतलब। इसमें ही हम लोग देखेंगे कीमो ऑटोट्रॉप्स। कीमो ऑटोट्रॉप्स में पहला एग्जांपल आप ले लीजिए, दैट इज नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। इनमें क्लोरोफिल सब्सटेंस, जो क्लोरोफिल जो होता है पिगमेंट्स, वो एब्सेंट होते हैं। ये क्या करते हैं, कोई भी रिलीजिंग एनर्जी को एब्जॉर्व करके उसको केमिकल रिएक्शन में कन्वर्ट करके कीमोसिंथेसिस होता है इसमें। तो इसको हम लोग बोलते हैं, दैट इज कीमो ऑटोट्रॉप्स। ओके, अब हम देखेंगे अर्ली एक्सपेरिमेंट के बारे में। टोटल 4 एक्सपेरिमेंट ऐसे हैं जिन्होंने बताया कि मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन है या तो वो कार्बोहाइड्रेट से आ रहा है या तो वो वाटर मॉलिक्यूल से आ रहा है। ओके, तो फर्स्ट रिएक्शन जो है उसके थ्रू समझने की कोशिश करेंगे कि लोगों में कैसे डाउटफुल क्रेज हुआ। कार्बन जो है वो वाटर मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट कर रहा है और ऑक्सीजन है वो इवॉल्व हो रहा है। इस रिएक्शन से हमें ये पता चलता है कि जो मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन है वो कार्बोहाइड्रेट से इवॉल्व हो रहा है। बट सी वेन 1930 को उन्होंने एक्सपेरिमेंट के थ्रू या एक डेमोंस्ट्रेशन दिखाया कि जो ऑक्सीजन है, मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन है, वो कार्बोहाइड्रेट से नहीं, वो वाटर मॉलिक्यूल से इवॉल्व हो रहा है। उन्होंने ये बताया जो फोटोसिंथेसिस जो है वो एक इनिशियली लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन है। इसमें लाइट एनर्जी कैप्चर होती है और वो केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। ये हमने बेसिक चीज़ें हमने पहले पढ़ी। लेकिन उन्होंने फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया जो है, ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया एंड पल्पर सल्फर बैक्टीरिया, इसके थ्रू उन्होंने बताया कि जो H2S, दैट इज़ H2 मीन्स हाइड्रोजन, टू मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन एंड वन मॉलिक्यूल ऑफ सल्फर,
यह स्प्लिट होकर हाइड्रोजन मॉलिक्यूल था वो अलग हो गया और सल्फर जो था वो सेट्स फ्री हो गया। तो इन्होंने इसके प्लांट के साथ कंपेयर किया और बताया कि जो ऑक्सीजन है वो कहाँ से इवॉल्व हो रहा है, वो प्लांट के थ्रू फोटोसिंथेसिस के थ्रू वाटर मॉलिक्यूल से इवॉल्व हो रहा है। अब हम रॉबर्ट हिल के रिएक्शंस को देखेंगे ताकि ये समझने के लिए कि ये ऑक्सीजन कहाँ से इवॉल्व हुआ। उन्होंने टू वाटर मॉलिक्यूल को रिएक्ट किया A2 के साथ, दैट इज टू मॉलिक्यूल ऑफ A। A क्या है? अननोन सोर्स ऑफ हाइड्रोजन एक्सेप्टर, और ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लाइट एंड क्लोरोफिल जो वाटर मॉलिक्यूल है वो स्प्लिट होके हाइड्रोजन, टू मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन एंड मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन जो है वो इवॉल्व हुआ। कहाँ से? वाटर से। इन्होंने ये एक्सपेरिमेंट के थ्रू कंफर्म किया। इसके बाद लेकिन ये नहीं पता था कि जो हाइड्रोजन एक्सेप्टर है वो कहाँ से है, वो एक्चुअली है क्या। लेटर डॉक्टर रूबेन एंड कामिन ने 1941 में ये कंफर्म किया कि जो मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन है वो वाटर से आ रहा है बाय यूजिंग ऑफ हाई रेडियो एक्टिव लेवल आइसोटोप, दैट इज ऑक्सीजन। उसके बाद लास्ट एक्सपेरिमेंट था डॉक्टर एरोन का, उन्होंने डिस्कवर किया कि उन्होंने एक्चुअली बताया जो हाइड्रोजन एक्सेप्टर था वो एक एंजाइम था, दैट इज को एंजाइम। उसका नाम था NADP, उसका फुल फॉर्म है निकोटीन अमाइड एडिनिन डाई न्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट। अभी हम साइट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस के बारे में देखेंगे। साइट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस जो है इसे हमें यह पता चलेगा कि फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस कहाँ हो रही है। ओके, हम लोग ने 11th स्टैंडर्ड में सेल ऑर्गेनल्स में बहुत सारे सेल ऑर्गेनल्स, अलग अलग टाइप के सेल ऑर्गेनल्स पढ़े। पहले हमें यह पता चला कि डिफरेंस क्या है सेल प्लांट सेल्स में और एनिमल सेल्स में। बेसिकली सेल ऑर्गेनल्स बहुत होते हैं, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, क्लोरोप्लास्ट हो गया, लाइसोसोम्स हो गया, वैक्यूल हो गया, गॉल्गी बॉडी कॉम्प्लेक्स हो गया एंड न्यूक्लियस हो गया। बट हमारा सिर्फ और सिर्फ फोकस कहाँ रहेगा? क्लोरोप्लास्ट में। क्लोरोप्लास्ट जो है वो प्लांट सेल्स में प्रेजेंस होते हैं, ना कि एनिमल सेल्स में। प्लांट सेल्स में क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंस होते हैं। अब हम देखेंगे क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर, एक टिपिकली क्लोरोप्लास्ट दिखता कैसे है। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्लोरोप्लास्ट शुरुआत करने से पहले हम लोग उसके शेप के बारे में देखेंगे। उसका जो शेप्स है वो डिस्क टाइप का शेप होगा। ओके, इसमें दो मेम्ब्रेन होते हैं, एक आउटर मेम्ब्रेन और एक इनर मेम्ब्रेन। आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन दोनों मिलकर एक पेरी स्ट्रोमियम करके सब ये बनाते हैं। ओके, आफ्टर दैट इनर मेम्ब्रेन के अंदर ही, दैट इज अंदर ल्यूमे के अंदर स्ट्रोमा प्रेजेंस होता है, जो कोलाइडल मैट्रिक्स होते हैं उसमें, और उसमें बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं और DNA और 70S राइबोसोम्स होते हैं। एंजाइम, अभी हम यहाँ देखेंगे एंजाइम का क्या रोल होता है जो स्ट्रोमा के अंदर जो प्रेजेंट है। जो एंजाइम स्ट्रोमा के अंदर प्रेजेंट होता है उसका नाम है रिबिस्को। रिबिस्को एंजाइम जो है वो मोस्ट अबेंडेंट एंजाइम है पूरे वर्ल्ड में, जो प्लांट्स में प्रेजेंट होगा स्पेशली। रिबिस्को एंजाइम का फंक्शन ये होता है जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको रिड्यूस करके ग्लूकोज में कन्वर्ट करेगा। ग्लूकोज मतलब एनर्जी, जो ये एनर्जी है प्लांट्स वो यूज़ करेगा, और वो एनर्जी हम भी यूज़ कर सकते हैं बाय थ्रू द फूड्स एंड ये प्रोसेस के थ्रू। अब डीएनए जो है वो उसमें रिंग टाइप का डीएनए होगा, दैट इज सर्कुलर डीएनए। ओके, ये डीएनए और राइबोसोम जो 70S राइबोसोम्स होते हैं, इनका फंक्शंस यह होता है कि जो रिबिस्को एंजाइम है उसको प्रोड्यूस करने में डीएनए और 70S राइबोसोम उसको हेल्प करेंगे।